हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन मोड पर मैं पुनः एक बार सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपको केमिस्ट्री समझना है, किसी भी केमिस्ट्री का कोई भी अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, समझना है, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग को पढ़ा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग प्रत्येक चैप्टर में लगभग कर देते हैं। इसका नाम है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको शॉर्ट में हम लोग इसी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसी कहा जाता है। अगर इसका डिफिनेशन जनरली अगर आपसे पूछा जाए, तो आप लोग इसको बोल सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो आपको ध्यान यही रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है हम लोग को एटम है आपका जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण। इलेक्ट्रॉन का वितरण हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन को वितरण करने के लिए हम लोग को उप कक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो उप कक्षा हम लोग को पता होगा कि चार होता है, एस पी डी ए। तो पुनः सुन लीजिए कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन का जो वितरण करना है उप कक्षा में करना है। उप कक्षा हम लोग को है एस पी है डी है और क्या है एफ है। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि वितरण किसका करना है, तो इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है। तो आपको एस उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद कहता है कि पी उप कक्षा में कितना होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। डी में कितना होगा, तो 10 होगा। एफ में कितना होगा, तो 14 होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में, किस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करना है, कितना इलेक्ट्रॉन वहाँ फिल करना है, उसको आपको देखना है। एस में हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आपको 6 इलेक्ट्रॉन, डी में हम लोग को 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इसके लिए आप लोग को ऐसे क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको इसका कारण बने आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए हम लोग इसको क्या करें, ऐसे ही डायरेक्ट याद रखें कि एस उप कक्षा में हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन होगा और पी उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, डी उप कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होगा और एफ में कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डिफिनेशन तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, किसका वितरण करना है, इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है परमाणु में। तो आपको लिख दिए हैं यहाँ उप कक्षा एस पी डी एफ, 4 हो गया एस पी डी एफ, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। अब इसको आप भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल ध्यान रखना है कि कैसे भरा जाता है। तो हमने लिखा है यहाँ पे, आपको दो बार बोलना है हमारे साथ, आपको याद हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा है 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p, 4s लिखा है, 3d लिखा है, 4p 5s, ऐसे और हम लोग को होता है। लेकिन हम लोग को अगर इतना तक भी हम लोग ध्यान रखें, तो हम लोग का लगभग काम हो जाता है। 30 तक एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या तक हम लोग इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो आपको देखिए 1s 2s 2p ध्यान रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p, 1s 2s 2p 3s 3p, 1s 2s 2p 3s 3p, 4s 3d, 4s और क्या 3d। तो इतना भी अगर आपको ध्यान रखें, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मतलब, कहने का मतलब, फिलिंग हम लोग कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे हम लोग फिल करते हैं इसमें। आपको तो पता हो गया कि इसमें हम लोग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और यहाँ भी ऐसे, तो यहाँ भी 2 रखाएगा। मैक्सिमम हम लोग दे रखें 2 रखेंगे, कम से कम आप 1 भी रख सकते हैं और नहीं तो हम लोग 0 भी रखते हैं। अब यहाँ एक बात तो आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 1s है, तो 1s में आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो परमाणु संख्या अगर एटॉमिक नंबर 2 तक है, तो 1s तक ही चलेगा। आपको अगर एटॉमिक नंबर 10 तक है, परमाणु संख्या अगर आपका 10 है, तो आपको यहाँ तक ध्यान रखना है, 1s 2s 2p तक, 10 के लिए 2p तक चलना है। और यदि आपको 20 तक बोले, तो 20 तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4s तक चलते हैं। और यदि हम लोग को 18 तक बोले, तो हम लोग को कितना तक, 3p तक। इसको याद रखें, 10 तक कहाँ तक चलेंगे, 2p तक, और 18 बोलेगा तो कहाँ तक चलेंगे, 3p तक, और यदि 20 तक बोलेगा तो कहाँ तक, 4s तक चलेंगे, और 30 बोलेगा तो हम लोग को 3d तक चलना है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 लिखा गया है, तो आपको आसानी पूर्वक उसको ध्यान रखना है, उसको आपको लिख देना है। तो मैंने बोला था कि 20 तक कहाँ तक जाएगा, 4s तक। तो आपको आसानी पूर्वक इसको लिख दीजिए, 1s लिखिए, 2s लिखिए, 2p लिखिए, 3s लिखिए, 3p लिखिए और क्या लिखिए, 4s लिखिए। हमने क्या बोला था कि यदि परमाणु संख्या आपको 20 है, तो आपको यहाँ तक लिख देना है, 1s 2s 2p 3s 3p और 4s, और आसानी पूर्वक आप भरते जाइए। एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पुनः एस आया तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पुनः पी आया तो कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। एस आया तो पुनः कितना भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं आप, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन।
पुनः हम लोगों को कितना आया, 6। और यहाँ एस आया तो 2, आप जोड़ सकते हैं कि हम लोग का कैल्शियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 20 था, तो हम लोग का इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 2 20, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया 1s2 2s2, और आपको लिखा गया 2p6 3s2 3p6 और 4s2 किसका हो गया, तो कैल्शियम का हो गया। यदि आप लिखना चाहते हो पोटेशियम का, तो पोटेशियम के लिए भी आपको क्या करना है, उसको आपको उतार देना है। तो हमने लिख दिया 1s2s2p, 1s2s2p, 3s3p और क्या लिखा 4s। अब देखिए s में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, पुनः s आया तो कितना रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। p आया तो कितना रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। s आया तो कितना रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। p आया तो कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप जोड़ लीजिए कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 19 है, परमाणु संख्या 19, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 19 है। अब जोड़ सकते हैं 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 कितना, 18। एक इलेक्ट्रॉन हम लोग को और भर रहा है, तो हम s में बोलते हैं कि 2 को मैक्सिमम रख सकते हैं। यहाँ पर अगर जरूरत के अनुसार हम लोग 1 भी रख सकते हैं। आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे 19 हो चुका होगा, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, कितना हो गया, 19। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लिखा हमने आपको, आर्गन लिखा, तो आर्गन जो आपने लिखा, तो इस वीडियो में हम लोग आर्गन का और अभी तत्वों का करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को देखते रहें।